सांसद जसवंत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष गजय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण जी पंचारिया, पूर्व जिला अध्यक्ष राधाकृष्ण जी थानवी, राजसिको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज जी लोहिया और हमारे परिवार में अभी अभी शामिल हुए वही खान जी, हमीद खान जी, जवाहर जी छंगानी जी, लखाराम जी कटारिया जी, मदन गोपाल जी शर्मा, नक्काराम जी पूर्व उप प्रधान, मनोहर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी और उनके सब साथी, 400 जेपी जी, सब लोग उनके साथी के साथ जो हमारे साथ पार्टी के अंदर आए हुए हैं, आज हम सब की ओर से मैं उनको सबसे पहले अपने इस परिवार के अंदर स्वागत करके ये जानती हूँ कि हमारा भी परिवार उनके आने से अब बहुत तगड़ा सुदृढ़ हो जाएगा और मैं उनका यहाँ इस मंच से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों के बीच में मैं पहले भी आई विकास की यात्रा के अंदर, जब सुराज संकल्प में आपके बीच में आई थी तो मैंने अपनी उस समय बातें रखी थी जो मैं समझती हूँ कि आपके दिल की बात थी, या कोई नहीं था जो ये कह सकता था मुझे कि 4.5 साल में जो सरकार को हम लोगों ने चुन के लाया है वो सरकार ने हमारे लिए अच्छा काम किया। हमारे सबके अंदर ये धारणा होती है कि जब हम अपना वोट देते हैं और किसी को चुनते हैं तो वो आगे चल के हमारे काम में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और हमारा काम अच्छी तरह से करके छोड़ेंगे। परंतु जिस सरकार ने आके 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से आप लोगों को दुखी किया, उसका बदला हम लोग 1 तारीख को मिलके चुकाएंगे भाइयों, कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे और जोरदार तरीके से जिता के अपनी पार्टी को भिजाएंगे। वो जाएगी पार्टी जो आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएगी और अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे, ये मैं आप लोगों को यहाँ विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं एक मिनट के अंदर बात अपनी दोहराऊंगी। कॉलोनियों के अंदर 15 मिनट से ज्यादा पानी मिलता है, मिल रहा है क्या? नहीं। फलोदी शहर के अंदर फिल्टरेशन की क्षमता बड़ी कि नहीं बड़ी? नहीं बड़ी, घटी यह मुझे मालूम है। पाइपलाइन का कार्य पूर्व नहीं हुआ जो पूरा होना चाहिए था और अभी तक शहर के अंदर इसकी वजह से गंदगी और दूषित पानी, ये सबको पीने के माने लोग बदहाल हो रहे हैं। इसी तरीके से अंतिम छोर तक पेयजल की सप्लाई हो, इसके लिए फलोदी शहर के अंदर हमने 4 भागों में उसको बांट दिया था और हमने 4 भाग में बांट करके ये कोशिश की थी, स्वीकृति भी दे दी थी। हमने ये चाहा था कि करीबन 71 करोड़ की योजना होगी और योजना 4 हिस्से के अंदर चली जाएगी तो लोगों को उसका फायदा मिल जाएगा, पानी पीने को आराम से मिलेगा। पर तो उसको पूरा नहीं किया है कांग्रेस ने, अभी तक उसको पूरा नहीं किया है। इसी तरीके से बाप के अंदर 48 गांव और को 237 ढाणियां, उसके अंदर लिफ्ट कनाल से पेयजल सप्लाई करने के लिए 147 करोड़ की योजना हम लोगों ने अपने समय में स्वीकृत कर दी थी। मैं तो भाइयों बहनों कह के थक गई हूं, क्या है कि 5 साल बहुत कम समय होता है। जब तक समझो, जब तक सीखो, जब तक उसको अपने हाथ में ले लो, बड़ी मुश्किल से तो पैसे का इंतजाम करके उन सब चीजों को सही सलामत लोगों के बीच में लाने का जब मौका आता है तो सरकार चली जाती है। और वो 5 साल अभी जो हमारे चले गए, उस 5 साल में हम लोगों को इतना नुकसान हुआ है क्योंकि फिर से ये काम को चालू करना कोई आसान नहीं होगा, फिर से उसको समेटना, फिर से उसके पैसे का इंतजाम करना और फिर से उसको आगे बढ़ाने का काम करना, उसी में 1.5 साल निकल जाता है। और वो करे आगे उसको बढ़ाए जो लग जाता है और मौके पे आ जाता है और वहां नहीं पूरा होता है तो बड़ा दिल दुखता है भाइयों। और ये कहा था कि 47 लाख में अपना ये किला पूरा हो जाएगा तो भी इसका फायदा अपने को मिलेगा। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ तो काम हो गया परंतु जो हिस्सा रह गया कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं दिन किसी दिन ढा जाए और कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे। हम तो चाह रहे थे कि वो किले की भी मरम्मत हो जाती तो कितना अच्छा होता, लोग उससे खुश होते। अब फिर तो लटियाल बात के सामने तो मैं नतमस्तक हुई। मुझे मालूम है चुनाव के दौरे में आप लोग जानते हो कि 10-10, 12-12 जगह पे जाना जरूरी है। मैं तो जा रही हूँ, सबको अभी कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ पीले चावल बांट रही हूँ। सबको ये कह रही हूँ कि आपकी जो मुसीबतें हैं उसको अपन लोग पहले ठीक करेंगे। विकास की बातें अपन ने कर चुकी है, अपन ने कर लिए हैं,
अब मैं ये पीले चावल बांट के जा रही हूँ कि वो नया राजस्थान अगर हमको बनाना है, वो नया राजस्थान जिसमें हमारी महिलाएं, जिसमें हमारे युवा, जिनको मैंने नौकरी का बात कहा था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने आपको सबको कहा था कि टेट को एक तरफ करते हुए, उसका प्रबंधन करते हुए, नौकरियों का इंतजाम आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले किया था वैसे करने का काम करेंगे। मैंने सब महिलाओं को कहा था कि आप चिंता मत करना, मैंने एक अलग से घरेलू लाइन पहली दफा राजस्थान में हमारे पांचवें साल में आपको दिया था। ये कोशिश थी मेरी कि 24 घंटे बिजली आपको मिल जाए, परंतु ये नालायक सरकार ये भी नहीं कर सकी। और मेरा ये कहना है कि नहीं कर सके तो आप चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर 24 घंटे बिजली आपको घर के अंदर देने का काम हम करेंगे। मेरे को वाकई में बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, इतना सारा सब कुछ है और इतना नहीं कर सकते जनता के लिए, तो फिर काहे के लिए खड़े हैं हम इस मंच पर। इतना बहुत गुस्सा और बहुत दुख होता है क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है, ये इनके जेब में भरने के लिए हमने नहीं दिया था। सड़कों के हाल तो हम लोगों को मिलके एक ही काम करना है, हम लोगों को जोरदार तरीके से राजस्थान के अंदर हमको बताना है, सब लोगों को बताना है कि राजस्थान की जनता भी जाग गई। 53 साल जिसने काम नहीं किया, ऐसी सरकार को हटाने वाले का काम हम लोग करने वाले हैं, और लाएंगे हम ऐसी सरकार जिसने 5 साल में काम में कोई कमी नहीं की। और मैं आपको ये कह के जाना चाहती हूँ कि सब दूर तो हो नहीं सकती हूँ, मेरा प्रतिनिधि है, मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में महाराज जी पार्टी ने तय किया है कि उनको खड़ा करेंगे, और आप ये मान के चलिए कि मैं ही सामने खड़ी हूँ, आप मुझे ही वोट दे रहे हो। ये पप्पा राम जी 36 के 36 कौम, पूरे के पूरे लोग, ये एक परिवार के लोग हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, आप उनको वोट देंगे और पूरी तरह से उनको जिता के वहां भेजने का काम करेंगे। अभी अभी इन सब ने मेरे को माला पहनाने की कोशिश की, मैंने कहा अभी माला नहीं पहनू, मैं यहाँ माला पहनाने आई हूँ, पहनने नहीं। इस बार मुझे ये बताइए कि मैं आपके पूछ के इनको माला पहनाना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपके मन में है तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बोल दो कि हाँ मैं पहना सकती हूँ, मैं पहनाऊ, जोर से बोलना हाँ। ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, मेरे अकेले की नहीं है, मैं तो आप लोगों की चुनरी पहन के, आप लोगों का ये प्यार को समेट के, 36 के 36 कौम के प्यार को समेट के जा रही हूँ, यही है मेरी ऊर्जा, इस ऊर्जा को मैं लेके जा रही हूँ, परंतु मैं आपके पास इनको छोड़ के जा रही हूँ। ये ऐसा सरल सीधा व्यक्तित्व, ये आप लोगों के लिए दौड़ने धूपने वाला व्यक्ति चाहिए हमको, ऐसे व्यक्ति जो आप लोगों के लिए भागेंगे दौड़ेंगे, अपना नहीं सोच के आपका सोच के काम करेंगे, ये ऊपर तक अपनी आवाज उठाएंगे, ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा किया है। और मैं ये विश्वास करती हूँ इस बार आप उनको छोड़ोगे नहीं, बड़े प्रेम से जिता के भेजोगे, और अगर हाथ दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी लगा दो जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों ये सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल का रास्ता आपके फलोदी से होते हुए जयपुर जाता है, और अगर हमारा फाइनल उसके बाद सेमीफाइनल सपना अच्छा हो गया तो फिर फाइनल 2014 के मई के अंदर वहाँ हम लोग दिल्ली की सरकार को बदलेंगे, उन लोगों को हटा के फेंकेंगे जिन्होंने हम लोगों का इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम नहीं किया है। बोलो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, बोलो पप्पा राम जी को जिताना है कि नहीं जिताना है, बोलो हमको 5 साल की सरकार, 5 महीने की सरकार नहीं, 5 साल की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए। सब लोगों को बहुत सारा मेरा प्यार, आप सबको बहुत सारा प्यार मेरा, सब बड़े बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद, और आपको बहुत मेरा प्यार, और मैं ये विश्वास करके आप लोगों का आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रही हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मोहर लगा के आप बहुत अच्छी तरह से विजयी बनाओगे। और माताएं बहने देख लो मेरे हाथ देख रहे हो ना, मेहंदी का कमल, ये मेहंदी का कमल आप लोग अपने अपने हाथों पे खिलाओ, तभी ये हाथ अपना ठीक रहेगा, तभी ये हाथ लेके अपन जाएंगे अपना काम करेंगे, तभी ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा। ये सब माताएं बहनों को मैं कह रही हूँ, कमल के फूल सबके हाथों में खिले, यही विश्वास करके मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के दिन फिर से मैं कहूंगी, जो लोगों ने कांग्रेस छोड़ के हमारा साथ दिया है, जो लोगों ने कांग्रेस छोड़ के हमारा साथ दिया है, जो मुसलमान समाज के लोग हमारे साथ आए हैं, जगह जगह पे आए हैं, जो लोगों ने अपने दलित समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया है, मैं सबको गले से लगा के प्यार कर रही हूँ,
और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये सब लोग पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि चट्टान जैसे इनके सामने खड़े होकर इनका काम करके छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कमी नहीं छोड़ेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।